यहाँ के निजी विधायक का सपा का टिकट काट दिया अखिलेश जी 80,000 वोट उसके पास, तो यह तो केवल लालित पापा है। ओवैसी जो है वो अपना हैदराबाद ओवैसी के आने से यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इधर के माइनॉरिटी ओवैसी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है, 300 पार होगी समाजवादी और 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, नौजवानों को लाठी नहीं खाना पड़ेगा। पहले 5 साल पहले सरकार थी अखिलेश जी की, कितने सारे लोग बताएं कितने घंटे बिजली यहाँ आती थी, ट्रांसफार्मर जल जाता था, 100-100 रुपए चंदा लगा की 5 घंटे 8 घंटे बिजली रहती थी, आज 22 घंटे बिजली रह रही है। थोड़ी सी महंगी है लेकिन बिजली नौकरी नहीं मिलती थी किसी को, आपके कहने का उसकी सरकार में 40,000 दो बार पुलिस की भर्ती है, 40-45,000 एक बार 40,000 एक बार नौकरी विधानसभा के रेलवे स्टेशन के पास खड़े हैं। 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है और जनता इस पर चुनावी मूड में मौजूद है और हम इस पर खड़े हैं। आइए इनसे परिचय लेते हैं और जानते हैं क्या है यहाँ की जनता का, 5 साल में यहाँ के घोसी के विधायक ने क्या किया है, आइए जानते हैं। सर अपना नाम बताएं। राजकुमार जी, 2022 का चुनाव आ चुका है, चुनाव बहुत खुशखबरी लेकर आ रहा है। देश की जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर है उसके रक्षक मोदी और योगी हैं और हम लोग उसी पर वोट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, अपने स्वार्थ में नहीं वोट दे रहे हैं। देश रहेगा तो हम लोग जीत रहे हैं। देश में ऐतिहासिक चीज़ों की धरोहर रखने वाले ही दो व्यक्ति हैं, जितने लोग आए हैं सब इसका विनाश किए और लालीपाप दे करके हम फ्री दे देंगे तो जिसके घर में रहेगा नहीं फिर क्या देगा। इससे पहले बसपा सरकार नहीं थी क्या फ्री मिला, सपा सरकार को देखा गया, भाजपा को भी देखा गया, इतना विकास हो रहा है इसमें कमी क्या है। निजी स्वराज जिसका पूरा नहीं हो रहा इसमें से उसमें कूद कर जा रहा है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ कर गए हैं मरौना से, भाग रहे हैं, टिकट पाने के बाद भी भाग रहे हैं। यहाँ के निजी विधायक का सपा का टिकट काट दिया अखिलेश जी 80,000 वोट उसके पास, तो यह तो केवल लालीपाप वाले वोट दे रहे हैं। तो दारा सिंह चौहान को यहाँ से सपा से टिकट मिला है, इस पर क्या कहेंगे आप? दारा सिंह चौहान को मिला है तो अखिलेश जाने दारा सिंह जाने, यहाँ की जनता सुधारकर तो मिलता तो भले लोकल के नाते वोट देता सपा के तब भी, लेकिन जो पूरे देश का सवाल है तो केवल एक घोसी से तो होगा नहीं। घोसी के अगर एक सपा जीत जाती है तो उससे तो देश चलेगा नहीं, पूरे प्रदेश का ना वोट चाहिए, पूरा प्रदेश इसमें भाजपामय है और इसके लिए कितना हो कोई कूटनीति लगा रहे जात विधान। कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे आप? कानून व्यवस्था बहुत सही है, इससे अच्छा भी तब किसी ने दिया नहीं। निजी स्वार्थ आपका पूरा नहीं हुआ हम खिलाफ कर रहे हैं, विधायक किसी का दान नहीं धोने जाएगा अच्छा किसी पार्टी का, ठीक, लेकिन जो शिक्षा है दीक्षा है चल रहा है बहुत अच्छा। यही नौकरी जो दिए हैं योगी जी 10 लाख देने पर मुलायम सिंह के समय नाम को लिया 2 वर्ग को लिया जाता है, आज पूरे हर समाज के लड़के इसके पास तो एक नया पैसा लगा नहीं। वो वैसे भी बड़े जोर शोर से लड़ने आ रहे हैं टिकट अपनी घोषणा कर रहे हैं, 85 की घोषणा करके बारे में क्या कहें? ओवैसी जो है वो अपना हैदराबाद संभाल रहे हैं, ओवैसी के आने से यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इधर के माइनॉरिटी को ओवैसी का कोई असर नहीं, आज हम खाए यहाँ आकर चले गए। तो इस बार योगी सरकार अखिलेश सरकार कांग्रेस या BSP? नहीं भाजपा सरकार, भाजपा सरकार निश्चित। तो आपका कहना है कि भाजपा सरकार आएगी और बड़ी उम्मीद है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में इनका कहना है कि हम भाजपा को लाना है। आइए हम दूसरे साथी से मिलते हैं, सर नाम बताया भूपेंद्र सिंह जी। भूपेंद्र सिंह यहाँ पे सपा प्रत्याशी को टिकट मिला जी घोषणा हुई है, मगर यह देखा वो लोगों को नाराजगी भी दिख रही है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? हम लोग उनके विपरीत रहे हैं, हम लोग भाजपा को। अच्छा भाजपा तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि दारा सिंह चौहान जो मौसम है यानी कि हमेशा मौसम जैसा जैसा मौसम रहता है मौसम से बदलते रहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? दल बदलू है हर साल बदलते हैं, टिकट नहीं मिलेगा दल बदलू, हाँ टिकट बदलू दल बदलू या कुछ नेता दल बदलू। तो इस बार कैसी सरकार चाह रहे हैं आप? हम लोग भाजपा सरकार आएगी, यहाँ तो कुछ लोग चुनिंदा लोग हैं खाली सपा का नाम लेंगे,
लेकिन भाजपा आ रही है, अभी चाहिए आगे कहीं पूछे भाजपा काम देखे जाकर दिखाने के तैयार है। ये लोग कोई काम नहीं दिखाएंगे, हम लोग काम दिखाएंगे कितना काम की है। देखिए कभी जीवन में इतना गिट्टी नहीं गिरी हुई थी, गिट्टी गिरी है, लाइन चालू होने जा रही है, भाजपा में हो रही है। हम लोग काम दिखाएंगे, जरा आवास बना करके देख लीजिए, कैमरा लेकर चलिए, अभी देखिए गाँव गाँव, यहाँ पर चुनिंदा लोग हैं कि हराने के चक्कर में है। यहाँ तो हमेशा सरकार बनाते हैं, विधानसभा में दिल्ली की सरकार बनाते हैं, अगर पंचायत की चुनाव यहीं पर कोई जीतता नहीं। भाई हमारे सामने तो बड़े युवा दिख रहे हैं, बड़े जोश शोरों से दिख रहे हैं, लगता है कुछ बोलेंगे, आइए सुनते क्या कहते हैं। देखिए मोहम्मद वासिफ कुरैशी नाम है, हम घोसी विधानसभा से बिलोंग करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है, 300 पार होगी समाजवादी और 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, नौजवानों को लाठी नहीं खाना पड़ेगा। यही तो आपने भी पहले घोषणा कर चुकी है, हमें 300 फ्री बिजली देंगे। समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है, उसके अलावा कौन किया है? नहीं, आप पार्टी ने भी घोषणा कर चुकी है इसके पहले, तो क्या ये देखा जाए जुमला है? जुमला नहीं है, पूरा होगा। आपने काम देखिए अखिलेश यादव जी का, 100 नंबर देने का काम किया, बदल के 112 नंबर कर दिया गया। हर सरकार आई कुछ न कुछ काम देगी अपना काम। अखिलेश यादव जी ने 108 देने का काम किया, अखिलेश यादव जी ने युवा के हाथ में लैपटॉप देने का काम किया, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर खुशहाली और डेवलपमेंट की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे। आज हमारे जनपद के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल तणियाओं के अंदर बन के पड़ा हुआ है, उस हॉस्पिटल को चालू करा दे। अखिलेश यादव जी ने चालू कराने, अखिलेश यादव जी ने बनवाने का काम, राजगढ़ जी ने उस हॉस्पिटल तणिया में जो घोसी विधानसभा में तणिया पड़ता है कोपागंज में, उस हॉस्पिटल को विजय राजगढ़ जी ने चालू किया है, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया है। आप कैसी बात करें कि चालू करवा दे? आपने बताया कि वहाँ चालू हुआ ही नहीं है, मगर आप बता रहे हैं कि मैं चालू कर दिया है। अरे ये चालू किया तो बनाना किसका था? अखिलेश यादव जी ने दिए थे 100 बेड का हॉस्पिटल, उद्घाटन के लिए उन्होंने किया था ना, कि बनाया नहीं था? अरे मेरे भैया उस पे पूरी बजट दिए थे, बन के तैयार था हॉस्पिटल। ये तो सिर्फ किसी के, ये सब गलत बात है। योगी आदित्यनाथ जी के आदेशानुसार उस हॉस्पिटल को बनाया गया, घोसी के लोकल विधायक विजय राजभर जी ने उसका उद्घाटन किया और कोविड को देखते हुए वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्य किया। वो हॉस्पिटल इस समय चालू है और वो चल रहा है हॉस्पिटल। आपका कहना है कि सपा भी ने 300 बिजली फ्री देने की घोषणा की, जबकि आप पार्टी ने पहले अनाउंसमेंट किया, क्या ये सब जुमला है? ये सब कोई बात नहीं, आम पार्टी हो या जुमला नहीं है भैया, ऐसा है बहुत सारे। सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे साथ देखिए, कह रहे हैं कि फ्री बिजली फ्री मिलेगी, इसके पहले 5 साल पहले सरकार थी अखिलेश जी की, कितने सारे लोग बताएं कितने घंटे बिजली यहाँ आती थी, ट्रांसफार्मर जल जाता था, 100-100 रुपए चंदा लगा के ट्रांसफार्मर लगता था, 5 घंटे 8 घंटे बिजली रहती थी, आज 22 घंटे बिजली रह रही है, थोड़ी सी महंगी है लेकिन बिजली मिल रही है, लेकिन वो फ्री देंगे या देंगे ही नहीं, फ्री करके कुछ देंगे ही नहीं, तो क्या उसका फायदा क्या होने वाला, ये बताइए। नौकरी नहीं मिलती थी किसी को, आपके कहने का, उसकी सरकार में 40,000 दो बार पुलिस की भर्ती है, 40,000 40,000 45,000 बोलने का ढंग मोदी जी से अच्छा अगर किसी को है, उससे बड़ा मदारी इस पूरी दुनिया में कोई है तो बता दीजिए। 15 लाख रुपया कहाँ गया? 15 लाख रुपया कहाँ गया? देखिए मैं बता रहा हूँ, कहाँ गया? मैं बता रहा हूँ, रोटी छीनने का काम, रोटी छीनने का काम विशेष जगह था। हमारे साथ एक और है, देखिए क्या कहते हैं आपको। जैसे भर्तियों का जहाँ तक सवाल है, सरकार ने 69,000 में भर्ती बैकवर्डों की 6,000 भर्ती अब तक नहीं दी, जिसके लिए लड़के धरना प्रदर्शन आज भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि अमित शाह जी से भी मिले हैं जो कि देने के लिए आश्वासन देगा, वो कहाँ गया? नौकरी की बात तो सभी लोग कर रहे हैं, कहाँ मिला है? मिला ये भी 69,000 भर्ती कब की है? ये 5 साल पहले की है। तो अब इस 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो रुझान के ऊपर है, जो यहाँ रुझान है सपा की तरफ से पूरी तरह दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे जो सामने आमने सामने पार्टियाँ खड़ी है, भाजपा और सपा, ये दोनों लड़ाई है। देखिए जनता की सरकार बनना जिसकी भी बन जाए। यहाँ पे सपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की, दारा सिंह चौहान जी, तो ये जो कहा जाता है इनको मौसम विज्ञान है, मौसम के हिसाब से हमेशा पल बदलते रहते हैं, क्या कहेंगे, क्या यहाँ पे टिकट मिलने संतुष्ट हैं? सर ऐसा है ना कि मीडिया जो अब आई है, जैसे कि बरसात होता है तो मेढक आ जाते हैं, वैसे मीडिया अब आई है,
इस मीडिया 2 महीना पहले अगर आई होती तो शायद हम बताए होते कि हमको हमारा जो निजी यानी हमारे घर का आदमी मिले, जो भी नेता यहाँ का हो, प्रत्याशी हो, वो अगर लड़ा होता तो हम अपना मैसेज शायद पहले दे सके होते। और आज मैं कैसे विजय राजभर तो चुनाव में भी सर, मैंने तो चेहरा ही नहीं देखा आज तक। विजय राजभर कार्य कहाँ से करेंगे? उनके तो लोग कह रहे हैं कि कोरोना से ग्रस्त थे, प्रदेश नहीं पूरा देश ग्रस्त था, तो काम कैसे करेंगे बेचारे? ये तो उनके लोग कह रहे हैं ना, तो उसे बात ही करना बेकार है। कोरोना का बहाना इनके लिए बहुत अच्छा है। 2.5 साल की सरकार में विजय राजभर आप खुश नहीं है? हम खुश रह के भी क्या करेंगे सर, जब उनका चेहरा ही हम नहीं देखे। एक चीज बड़े गौर की बात है कि ये बार बार कहते हैं कोरोना में कोई काम नहीं। कहा कि घोसी विधायक है, हमने विजय राजभर का चेहरा नहीं देखा आप अभी तक आपने, और वही आपने दूसरे के साथ खड़े उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। आइए हम दूसरे किसकी सरकार दो जाए भाई, सरकार इस बार थोड़ा खेला हुए खेला होबे और बदलाव हो कैसा खेला होबे। अब देखते हैं, मुकामी लीडर चाहते हैं हम लोग, यहाँ पे मुकामी लीडर हो जो जनता के बीच में हो और बढ़ चढ़ के काम करे। मऊ जिले का बड़ा दुर्भाग्य के यहाँ पे जो भी सीटें आती है सब बाहरी लोगों को दी जाती है। आखिर में ये लोग जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह, ऐसा क्यों करते हैं कि बाहरी लोग बुला के टिकट दिया था, यहाँ के प्रशासन को टिकट दे दिया था, जिससे कि कोई विकास कार्य नहीं होता है, कोई वो नहीं होता, इस पर क्या कहेंगे? इसीलिए यहाँ की जनता ने जो एक नारा निकाला है, इस मरतबा खेला हो और उसके